इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उमरिया भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें जिले भर के 10 मंडलों समेत जिला मुख्यालय में लगभग 25,000 वृक्ष लगाए गए। इसके साथ ही उमरिया युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में शासकीय रणविजय महाविद्यालय उमरिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने रक्तदान किया और रणविजय प्रताप सिंह शासकीय महाविद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में 150 लोगों ने रक्तदान किए, रजिस्ट्रेशन कराया और वहीं 150 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए गए। यह जिला में कुल मिला के 5 रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जो उमरिया के अंदर 2 रक्तदान शिविर है, एक जिला चिकित्सालय में, एक कॉलेज में, एक चंदिया में है और एक पाली में और एक मानपुर में। तो यहाँ पे अभी रणविजय कॉलेज में हम लोगों के 15 यूनिट टोटल मिला के, चारों पाँचों को मिला के 50 यूनिट ब्लड इकट्ठा कर लिया गया है और अभी चल ही रहा है लगातार, अभी शाम तक चलेगा और भी ज़्यादा रक्तदान अभी हम लोग रक्त इकट्ठा करेंगे और भी होने की उम्मीद है। रक्तदान अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उमरिया जिले में आज स्वच्छ रक्तदान का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग अभी तक 50 यूनिट ब्लड डोनेशन हमारे पास हो गया है और 150 रजिस्ट्रेशन हमारे पास रक्तदाताओं के हुए हैं। अभी 4 बजे तक ये रक्तदान शिविर आयोजित होने की संभावना है, जिसमें लगभग 100 से 150 यूनिट रक्तदान यहाँ पर होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेवा सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इस निमित्त हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 100 यूनिट ब्लड का आज दान करेंगे।